विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है, गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स वन, ये इक्वेशन वन समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये दूसरा इक्वेशन। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर ऑफ एलेवन प्लस वाई टू द पावर ऑफ एलेवन इक्वल्स व्हाट। सबसे पहले सॉल्यूशन हमें निकालना है, एक्स टू द पावर ऑफ एलेवन प्लस वाई टू द पावर ऑफ एलेवन, हमें हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या क्या निकालना है इसके लिए, ये निकालने के लिए एक्स टू द पावर ऑफ एलेवन प्लस वाई टू द पावर ऑफ एलेवन निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स इंटू वाई का वैल्यू चाहिए, ये निकालेंगे पहले। उसके बाद क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसका वाई इसका वैल्यू क्या होता है वो चाहिए। तो नेक्स्ट एक्स क्यूब वाई क्यूब होने के बाद एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव इसका वैल्यू चाहिए। लास्ट में एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस वाई टू द पावर ऑफ सिक्स, इतना वैल्यू चाहिए हमें। एक्स वाई चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव, एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस वाई टू द पावर ऑफ सिक्स, इतना वैल्यू हमें मिलने के बाद हम एक्स टू द पावर ऑफ एलेवन प्लस वाई टू द पावर ऑफ एलेवन को हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक्स वाई निकालेंगे। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स वन होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई इक्वल्स वन स्क्वायर मीन्स वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इसका ये है, इसका वैल्यू हमें मालूम है टू, तो टू रख लो, प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू वन, वन स्क्वायर का मतलब वन। तो ये टू एक्स वाई इक्वल्स वन एज वेल, ये प्लस पॉजिटिव टू है, ये नेगेटिव टू हो जाएगा इस साइड, ये साइड में ले लो। तो दिस इक्वल्स टू इंटू एक्स वाई इक्वल्स वन माइनस टू मीन्स माइनस वन। तो दोनों तरफ अगर टू से डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो एक्स इंटू वाई इक्वल्स नेगेटिव वन बाई टू, ये हमें वैल्यू मिला एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, नेगेटिव वन बाई टू। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का निकालेंगे। तो एक्स वाई हमें मिला, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब चाहिए हमें, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब के लिए हम एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। जहाँ पर एक्स प्लस वाई हमें वैल्यू मालूम है वन है, एक्स क्यूब वाई क्यूब हमें निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू नेगेटिव वन बाई टू है, एक्स प्लस वाई और वन वैल्यू मालूम है हमें। तो यहाँ पर क्या कर दो, जो जो वैल्यू हमें मालूम है वो सब पुट कर दो, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई एक्स होल क्यूब, एक्स प्लस वाई मीन्स वन, तो वन क्यूब दिस इक्वल्स इसे ये हमें चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स वाई मीन्स माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स वन, तो वन क्यूब मीन्स वन, दिस इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये प्लस इंटू थ्री इंटू माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू इंटू वन। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस इक्वल्स ए वन, ए नेगेटिव माइनस थ्री बाई टू है ये साइड में लाओ तो पॉजिटिव थ्री बाई टू बनेगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस इक्वल्स ये वन है समझ, कुछ भी नहीं तो ये कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो टू वन जर टू प्लस वन थ्री जर थ्री, वन इंटू टू मीन्स टू, दिस इक्वल्स फाइव बाई टू, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स फाइव बाई टू। ये हमें दूसरा फाइंड आउट किया, पहले एक्स वाई किया, अभी एक्स क्यूब वाई क्यूब किया। एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या है अभी, फाइव बाई टू, पॉजिटिव फाइव बाई टू। अभी नेक्स्ट एक्स टू द पावर ऑफ फाइव वाई टू द पावर ऑफ
सॉरी ये थ्री देखो गया, एक्स टू दी पावर ऑफ फाइव वाई टू दी पावर ऑफ फाइव का चाहिए, तो इसे समझ लीजिए ये थर्ड इक्वेशन है। तो वन ये है, टू है, ये आईसो थर्ड है समझ लो, तो ये निकाल देंगे सब। तो हमें चाहिए एक्स टू दी पावर ऑफ फाइव वाई टू दी पावर ऑफ फाइव, ये कैसे मिलेगा हमें फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, और नहीं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन टू एंड थ्री। तो इक्वेशन टू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू थ्री एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस इक्वल्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। क्या है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, नहीं तो क्या है कि बटरफ्लाई मेथड से हम पहले ये करेंगे, इसका वैल्यू हम बाद में करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर को एक्स क्यूब को अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो एक्स टू द पावर ऑफ फाइव बनता है, ये प्लस साइन है सब प्लस ही आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब बनता है। बटरफ्लाई मेथड यूज करो तो इधर ये एक्स स्क्वायर से इसको एक बार, इसको एक बार, और वाई स्क्वायर से इसको एक बार, इसको एक बार, तभी क्या बनते हैं एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब वाई फाइव वाई टू द पावर फाइव। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मीन्स टू है, तो टू रख लो इंटू एक्स टू द पावर ऑफ थ्री प्लस वाई टू द पावर ऑफ थ्री मीन्स फाइव बाई टू है, ये फाइव बाई टू रख लो, ठीक है। दिस इक्वल्स ये एक्स टू द पावर ऑफ फाइव और ये लास्ट का वाई टू द पावर ऑफ फाइव साथ में लिख लो। तो बाद में यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर भी स्क्वेयर है वाई स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई क्यूब एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों में कॉमन है। यहाँ पर ओनली वाई बच रहे हैं, यहाँ पर ओनली एक्स बच रहे हैं, वाई प्लस एक्स बच रहे हैं। तो यह इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू टू का कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल्स फाइव हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव प्लस ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को हम एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई। तो फाइव इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर है। तो एक्स वाई का वैल्यू हमें मालूम है माइनस वन बाई टू, तो ये नेगेटिव वन बाई टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स वन। तो फाइव इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव प्लस माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर मीन्स प्लस वन बाई फोर इंटू वन। तो देयरफॉर एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू फाइव, ये प्लस वन बाई फोर हो जाए, ये नेगेटिव वन बाई फोर हो जाएगा, ये साइड में है तो माइनस वन बाई फोर हो जाएगा। तो ये क्या बनते हैं फाइव डिवाइडेड बाई वन, वन डिवाइडेड बाई फोर, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया फाइव फोर जार ट्वेंटी माइनस वन बाई वन इंटू वन वन, तो वन इंटू फोर मीन्स फोर, तो नाइनटीन डिवाइडेड बाई फोर बनता है। तो एक्स टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू नाइनटीन डिवाइडेड बाई फोर, ये हमारा यहाँ पर 19 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ये इक्वेशन 4 समझ लो। तो हमें लास्ट अभी एक्स टू द पावर ऑफ फाइव वाई टू द पावर ऑफ फाइव प्लस वाई टू द पावर ऑफ फाइव मिले, लेकिन हमें अभी एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस वाई टू द पावर ऑफ सिक्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिक्स की निकालने के लिए हम एक्स टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों मल्टीप्लाईकेशन करेंगे। तो हमें चाहिए एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस वाई टू द पावर ऑफ सिक्स, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पता है, तो दिस इक्वल्स क्या है फाइव बाई टू। तो ये दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तब क्या बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स फाइव डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे जैसा है, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस वाई टू द पावर ऑफ सिक्स प्लस टू टाइम्स एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब
दिस इक्वल्स 5 बाई 2 होल स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनता है, x टू द पावर ऑफ 6 प्लस y टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 टाइम्स x इंटू वाई होल क्यूब, दिस इक्वल्स 5 स्क्वायर मीन्स 25 और 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो यहाँ पर पुट कर दो भाई एक्स वाई का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू वैल्यू में नेगेटिव 1/2 है, तो x टू द पावर ऑफ 6 प्लस y टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 टाइम्स माइनस 1/2 टाइम्स क्यूब, दिस इक्वल्स 25 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो माइनस 1/2 होल क्यूब क्या होता है, माइनस 1/2 होल क्यूब मीन्स माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस 1/8 होता है। तो एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 टाइम्स माइनस 1/8, दिस इक्वल्स 25 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 25 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो देयर फोर एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 6 इट्स इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 4। ये नेगेटिव है, ये साइड में लो पॉजिटिव बनते हैं, ये 2/8 है, ये 1/4 बनेगा। ठीक है, 2 1 2 और 2 4 8 1/4 बनेगा ये। तो ये नेगेटिव है, ये साइड में पॉजिटिव बन गया। तो x टू द पावर ऑफ 6 प्लस y टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू, दोनों सेम ही है तो सेम रख दो, 25 प्लस 1 ये बनता है 26 डिवाइडेड बाई 4। यानी x टू द पावर ऑफ 6 प्लस y टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 13/2। ये हमें फाइनल वैल्यू मिल गया, x टू द पावर ऑफ 6 प्लस y टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू 13 डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 5 समझ लो। ठीक है, अभी हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू है, एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू है, एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 6 का भी वैल्यू है। अभी हमें निकलना है फाइनली लास्ट एक्स टू द पावर ऑफ 11 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 11। ये कैसे बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 11 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 11? तो एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 6 यानी इक्वेशन 4 एंड 5 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से हमें एक्स टू द पावर ऑफ 11 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 11 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 एंड 5 क्या है, 4 एंड 5 है। इक्वेशन 4 इज x टू द पावर ऑफ 5 प्लस y टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5, इक्वेशन नंबर 5 है x टू द पावर ऑफ 6 प्लस y टू द पावर ऑफ 6, दिस इक्वल्स 19/4 इंटू 13/2। ठीक है, तो यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड और एक बार इधर यूज करो, एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 6 मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 11 होता है प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 6 प्लस नेक्स्ट एक्स टू द पावर ऑफ 6 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 11, दिस इक्वल्स 19 इंटू 13। ऊपर का ऊपर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो ये क्या बनते हैं, 247 ऊपर बनते हैं, 19 इंटू 13 इज 247, 4 इंटू 2 मीन्स 8। तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 11 प्लस y टू द पावर ऑफ 11 जो लास्ट में है और दोनों जो साथ में लिख लो प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 5 इधर है, y टू द पावर ऑफ 5 इधर है, y टू द पावर ऑफ 6 x टू द पावर ऑफ 6 x, इसका मतलब x टू द पावर ऑफ 5 इंटू y टू द पावर ऑफ 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर बच रहे x प्लस वाई, दिस इक्वल्स 247 डिवाइडेड बाई 8। तो x टू द पावर ऑफ 11 प्लस y टू द पावर ऑफ 11 प्लस x टू द पावर ऑफ y इंटू y टू द पावर ऑफ y मीन्स x इंटू y होल टू द पावर ऑफ 5 इंटू x प्लस y मीन्स 1 लिख लेंगे, दिस इक्वल्स 247 डिवाइडेड बाई 8 एज यूजुअल। तो x टू द पावर ऑफ 5 तो इसका वैल्यू हमें पता है नेगेटिव 1/2, तो पुट कर दो वाई टू द पावर ऑफ 11 प्लस नेगेटिव 1/2 टाइम्स पावर 5 इंटू 1, दिस इक्वल्स 247
डिवाइडेड बाई 8. नेगेटिव 1 बाई 2 टू द पावर 5 मीन्स नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाई 32 बनते हैं. ठीक है, नेगेटिव 1 बाई 5 का नेगेटिव 1 ही होता है, लेकिन नेगेटिव 2 का पावर 5 अगर रहा तो 32 बनता है. तो नेगेटिव 1 बाई 2 टू द पावर 5 मीन्स नेगेटिव 1 बाई 32. फॉर एक्स टू द पावर ऑफ 11 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 11 है, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा नेगेटिव 1 बाई 2, नहीं तो और नेगेटिव 1 बाई 32 बनता है. ये इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन 1 ही है तो वो हम अभी नहीं निकालेंगे, नहीं लिखेंगे. तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन 1 मतलब सेम ही रहता है. तो यहाँ पर बनेगा ये एक्स टू द पावर ऑफ 11 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल्स टू 247 डिवाइडेड बाई 8. ओके, तो ये नेगेटिव 1 बाई 32 ये साइड में लो तो पॉजिटिव 1 बाई 32 बनते. तो एक्स टू द पावर ऑफ 11 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 247 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 32. X to the power of 11 plus y to the power of 11, this equals 8 into 32 नीचे LCM आ जाएगा. इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके रखे तो भी चलेगा, नहीं तो अलग अलग रखे तो भी चलेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो 247 into 32 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो 247 into 32 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 7904 होता है. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7904 बनता है, प्लस 8 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन 8 होता है. तो 8 इंटू 32 का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 32 हम नीचे रखा है जो जन. तो x टू द पावर ऑफ 11 प्लस y टू द पावर ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 7904 प्लस 8 मीन्स 7912 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स 32. तो ये देखो 7912 8 से डिवाइड हो जाएगा. तो 8 1 जार दिस इक्वल्स 8 1 जार 8, 8 9 जार 72. तो 7 हो गया, 8 8 जार 64 और 72 हो गए 8 9 जार, यानी 989 ऊपर रहेगा. तो यहाँ पर 8 निकल गया तो 1 into 32 मीन्स यहाँ पर 32 हो गया. यानी x टू द पावर ऑफ 11 प्लस y टू द पावर ऑफ 11 इज इक्वल्स टू 989 डिवाइडेड बाय 32. ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें निकालना था x टू द पावर ऑफ 11 प्लस y टू द पावर ऑफ 11 का वैल्यू. x टू द पावर ऑफ 11 प्लस y टू द पावर ऑफ 11 का वैल्यू 89 डिवाइडेड बाय 32. This is the final answer. ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.